घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक, दो डुबकियों में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन साहब मेरा स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है। चिंता ना करो, इसे बोरी में बंद करो। अभी लो किसम ट्योरी बोरी में क्यों बंद करो भैया? बहुत गर्म हो रहा, बहुत गर्म हो रहा है। कोई बात नहीं है, मेरी खुरपी बहुत गर्म हो रही थी, इसे बोरी में पड़ा दो। आ भाई उठाइयो भैया, उठाओ मुझे। पड़ जा मुझे बोरी में क्यों बंद कर रहे हो? चुप पड़ा रहे, बोरी में बांध कर मुझे मारोगे क्या? चुप रहे। अल्लाह मर गया, बहुत बोल रहा। अल्लाह मार दिया, ठीक नहीं होना क्या तुझे? अल्लाह ऐसे तो मर जाऊंगा मैं भाई। अबे बिल्कुल ठीक होगा, चिंता ना। सलीम उठवा उसे। हकीम जी मर गया। छोड़ दो। शेख जी कोई खतरे वाली बात तो नहीं है? भरोसा रखो सलीम, क्या तुम्हें भरोसा नहीं है शेख पे? अभी अभी मैंने अपनी खुरपी का बुखार उतारा था, बिल्कुल फिट दवाई है, असर है असर। मैं तो कह रहा हूँ बस खींच लो। अरे रहने दो, दो चार डुबकी और लग जाना, बिल्कुल कलेश कटवा लो, फिर बुखार नहीं रहने का। ऐसा ना हो मरीज भी ना रहे। अरे रहने दो रहने दो, विश्वास डरो मत बिल्कुल भी। सलीम ऐसा करो अब इसे खिंचवा लो। खिंचवाओ, देख लो सलीम ठीक होते ही असर हो गया, वजन बढ़ गया इसमें। बहुत भारी हो गया शेख जी। शेख जी ये तो मर गया। देखो सलीम, मेरी मरने जीने की गारंटी नहीं थी, तुमने कहा बुखार हो रहा, अगर बुखार ना उतरा हो तो कहना बिल्कुल ठंडा ना हो। देख लो हाथ लगा के ठंडा, ये तो बिल्कुल ही ठंडा पड़ गया। चलो भैया निकालो उसे, निकाल तो लो। कमकत मारा कहाँ जाके मर गया, सारी घास भी सूख गई। अल्लाह मैं क्या करूं अब। अरे शेख चिल्ली तू अब आया है खुरपी लेके, इस सारी घास भी सूख गई। इतनी मेहनत से घास लाया था, अब इसे कौन लेगा? क्या करूं अम्मी, खुरपी को बुखार हो गया था, बस हो गई बार। बड़ी मेहनत से काट के लाया था घास, अभी वो खराब हो गई, अभी इसे कौन खरीदेगा? जो लकड़ी काट के लाता तो वो गीली भी बिकती और सूखी भी बिकती। ठीक है अम्मी, अब लकड़ी लाया करूँगा। कमकत मारे जब मैं कब्र में चली जाऊंगी, जब लाएगा क्यों? अरे शेख जी ये क्या घास लेने जा रही हो? काले मुंह के फिर टोक दिया, घास तो कल की सूखी पड़ी है, लकड़ी लेने जा रही हूँ। चलो अवेर हो रही है, मैं तो यूं कह रहा था। अवेर हो रही है? अवेर को कहीं नौकरी कर ली क्या? हाँ शेख जी उसी का नौकरी कर ली है, तेल का काम होता है ना, तेल फ्री और नौकरी पूरी। भाई वाह तेरा काम बढ़िया, निकल निकल ले जा।
भाईजान क्या कर रहे हो? भाईजान क्या कर रहे हो? अपनी ऐसी तैसी करा रहा हूँ, दिख नहीं रहा, मैं लकड़ी काट रहा हूँ। अरे मुल्ला जी, आपको खतरा है? भाई निकल ले अपने घर को, दिख नहीं रहा। भाई आप गिर जाओगे। अरे निकल ले अपने घर को, अन्यथा साले का सर में कुल्हाड़ी मार दूंगा। देख भाई, हम तो इंसानियत के नाते तुझे समझा रही हैं, आगे तुम्हारी मर्जी। जा फूट ले कहीं, आगे दिखे इंसानियत। निकल जा रही, साले को कुल्हाड़ी मारूंगा। आदमी ने मेरे को बता दिया कि मैं गिर जाऊंगा, इसका मतलब खुदा का फरिश्ता है, इससे पूछता हूँ मैं कब मरूंगा। भाईजान, जब तुम इतना बतला सकते हो कि मैं पेड़ में से गिर जाऊंगा, तो आप ये भी बतला सकते हो मैं कब मरूंगा। भाईजान बतला दो। लगता है आदमी पागल। हाँ ठीक है ठीक है, शाम तक मर जाएगा। शाम तक? मेरे पास तो इतना वक्त भी नहीं है जो मैं कब्र खोद लूं। कब्र कौन खोदेगा फिर मेरी? देखता हूँ, कई कब्र भी खोदनी पड़ेगी। कब्र कौन खोदेगा फिर मेरी? अभी कोई कब्र ही नहीं मिल रही। मेरे अंडे की है वो खुद ही खुदाई मिल गई। अल्लाह, अबे बड़ा आनंद आ रहा कब्र में तो। अब पता लगा मुझे लोग कब्र में मरे पीछे कितना आनंद लेते हैं। वाह। जल्दी जल्दी आ जाओ आगे को। देखो साहब, मुझे लग रहा वजन अब मेरे बस की नहीं है चलना। हे सलीम के बच्चे, मैं तुझे तनख्वाह आराम करने के नहीं देता, काम करने के देता हूँ। काम कर काम, शाम का वक्त हो रहा है, देर हो जाएगी, फिर क्या करेंगे? बोल बोलो बोल बोल। कुछ नहीं, बस मैंने कह दिया मुझे बोझ लग रहा है, मुझे आराम करना। अरे तो यहाँ तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा जिससे मदद ले ले, मेरे तो बस की है नहीं। भाई पैसे में तो हम ले जाते, पर क्या करें, हम तो मरे पड़े हैं। खान साहब, मुझे लग रहा कब्रिस्तान में मुर्दे जाग गए। अरे चुप कर। अबे तू कौन है भाई? मेरा नाम शेख फिल्ली है, पर मैं मरा पड़ा हूँ। अब ऐसे में कभी कोई मरता है क्या? बाहर निकल चल। बाहर नहीं निकला जब मैं फिट हो रहा हूँ कब्र में। अबे हाथ पकड़ा ना ला। भाई जान, मैं तो मरा पड़ा हूँ, मैं कैसे हाथ पकड़ा दूंगा? अबे हाथ ला। हाथ में मरा पड़ा हूँ, हाथ नहीं उठेगा मेरा। तो मुझे लग रहा बहुत। निकल बाहर, ऐसे कोई मरता होगा कहीं? अबे शेख चिल्ली, तू इस कब्र में? अरे तेरे से तो ठीक हो, कदे से की लदे खड़ा दो। इसका मतलब तुम एक दूसरे को जानते हो? हाँ जी हाँ जी, ये शेख चिल्ली है। देखो शेख चिल्ली, अगर तुम हमारे घर से लेके जाओगे तो हम तुम्हें 3 रुपए देंगे, ये तेल हमारे घर तक पहुँचवा दो। 3 रुपए दोगे? हाँ। और जो दोनों को ले लूँ तो 5 दे दोगे? हाँ 5 दे देंगे। ठीक है, दोनों को नस्तर रख दो मेरे ऊपर। रखो इसलिए ए रखो संभाल के।
अबे संभाल, अबे कबाड़ा करेगा क्या इनका। चलो भाईजान, भाईजान मेरी जूती और पहना दो मुझे। सलीम पहनाना जूती इसको, क्यों तुम्हें शर्म लग रही है। अबे कैसे उल्टा सीधा पड़वा रहे हैं, उल्टों को उल्टे ही दिखते हैं क्या। चलो भाई किधर को चलना, चलो किधर को आ जाओ, चलो इधर। भाई पूरे 5 रुपए लूंगा। अबे ऊपर को चल, चढ़ पूरे 5 रुपए लूंगा। अबे मिल जाएंगे 5 कम मखत मारे, क्या मुसीबत मोल ले ली। ये लोग मुझे 5 रुपए देंगे, मैं 5 रुपए में व्यापार करूंगा, बहुत पैसा कमाऊंगा, अम्मी से कहकर निकाह कराऊंगा, फिर बेगम आ जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, कोई आगे होएगा, कोई पीछे होएगा, कोई ऊपर होएगा, कोई नीचे होएगा, सब कह करेंगे अब्बू अब्बू मुझे पैसे दे दो, अब्बू अब्बू मुझे पैसे दे दो, सब मांगेंगे मांगेंगे, तब मैं क्या करूँगा। अबे कमाकत ये क्या किया तूने, सारा तेल गिर दिया। तो अपने तेल की पड़ रही है, बच्चों का नाश हो लिया। बच्चे नाश, क्या बकवास कर रहा, तू मेरा पागल तो नहीं बना रहा। एक बात सुन ले, इस तेल का तो हजाना तुझे देना पड़ेगा, और जब तक इसके पैसे पूरे नहीं हो जाएंगे ना, तब तक तू मेरी नौकरी करेगा। चल मेरे साथ। ठीक है चलो, ऐसा कर लूंगा नौकरी, तुम इन्हें उठा के ले जाओ। अरे बेटा रख दो सब्जो। जी अबू। बेटा दुकान पे तेल नहीं है, सारे ग्राहक वापस जा रहे हैं। तो फिर ले आओ ना, लाना तो है ही। अरे पता नहीं क्यों नहीं आया अनवर, मुझे उसके घर जाना पड़ेगा। ठीक है अबू, मगर अबू आपकी टोपी। बेटा वो टोपी तो मैं कल भूल आया था काम पे। अरे सलीम। हाँ जी। अगर रहमान आ गया तो उसको तेल कहाँ से देंगे, कुछ अब दे देंगे, अगली बार ज्यादा दे देंगे। अरे इस कमबख्त ने सारा सत्यानाश कर दिया, और नाम क्यों पछताते। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आइए बैठे रहमान भैया, तेल के लिए आए हो गए। आपको कैसे मालूम कि मैं तेल के लिए आया हूँ। रहमान भाई जो सामान नहीं होता है ना, उसी के ग्राहक ज्यादा आते हैं, मगर क्या करूं, एक कमबख्त ने सारा कनस्तर तेल का बखेर दिया। क्या कहा, सारा तेल का कनस्तर बखेर दिया। हाय हाय, कौन ताव का मखत बेकूफ। अरे मिली की शक्ल वाले, तेरी शक्ल बिगाड़ दूं अगर मुझे पागल बताएगा तो। तूने तो मुझे कहा था कि शाम को मर जाएगा। क्या कह रही है ये तो पागल। वो कैसे। वो ऐसे कि मैं एक दिन जंगल में जा रहा था, जनाम उसी डाले पे बैठे उसी को काट रहे थे, बस गिरा धड़ाम से। फिर क्या हुआ। फिर होता ही क्या, ऊपर से गिरे धड़ाम से गिरते मेरे पास आया दौड़ा दौड़ा, बोलने लगा कि मैं मरूंगा कब तक। मैंने कहा मर जाएगा तो शाम तक, तो है नहीं पागल। कुछ भी हो रहमान भाई, ये मेरे पास जब तक रहेगा जब तक मेरे तेल के पैसे पूरे नहीं हो जाते। आप ऐसे करो, इसे मेरे साथ भेज दो, मेरे घर काम कर लेगा। ये ठीक रहेगा, ये बिल्कुल ठीक रहेगा रहमान भाई। मैं तुम्हारा सामान जो है ना सलीम खाते भिजवा दूंगा, बस माल आने ही वाला है। अगर सामान होता तो मैं इसी के सर पर रख के ले जाता। अच्छा मैं चलता हूँ, चल चल उठ मेरे साथ चल। चलो चलो। क्या हो रहा है, मैं जरा उस दरवाजे से छोटा का, तुम राजा बन गए अब।
क्या होगा? चुप हो, चुप क्या होगा? चुप हो, चुप। मैं तुम्हारे घर से कितने दिन में आऊंगा? मैं तो अम्मी से मिलने जा रहा हूँ। जब तक अनवर का दंड पूरा नहीं हो जाएगा, जब तक, समझा? ठीक है, तो मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं तुम्हारे पैसे दंड के साथ ही कटवा दूंगा। और कभी ना आवे, शाम तक आई जाइयो। आ जाऊंगा, आपकी बड़ी मेहरबानी। अरे सेख चिल्ली, यही पैसे लाया है इतने दिन घर से बाहर रह के? जो मैं तेरा निकाह करा दूं तो ऐसी बच्चे भूखे मारेगा? अम्मी, अब तो मेरी नौकरी लग गई है, अब फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अब तो मौज करेंगे, मौज मौज। क्या कह रिया है तू? समझने की जरूरत नहीं है अम्मी, फिर समझाऊंगा, चलता हूँ। आप कहीं जा रहे हो क्या? आज दुकान बंद रखोगे? नहीं नहीं बेटे, मैं जल्दी आ लूंगा। मैं तुम्हारे खालू के घर तक जा रहा हूँ। वो क्यों? वो इसलिए, अरे तुम्हारी निकाह की बात करनी है। ठीक है अब्बू, जाओ। मगर अब्बू, आपका जाने के बाद अगर कोई ग्राहक आ गया दुकान पे तो? अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया, एक बेवकूफ आएगा, उसको आने से पहले ही काम बताना चालू कर देना। वो क्यों? वो इसलिए कि वो हमारे यहाँ नौकरी करेगा, और वो सुनो, वो है लटका यार, उससे लट से ही काम लेना। ठीक है अब्बू, ठीक है अब्बू। और हाँ, एक और आएगा, उसको बैठाना, खाना खिलाना, खातिर करना। अच्छा मैं चलता हूँ। अच्छा अरे नाजिया, ये कौन आ गया? जा देख तो जरा। ठीक है बाजी। रहमान का मकान यही है क्या? हाँ जी यही है, बोलिए किसे मिलना है? अजी मिलने मिलना क्या, काम से आया हूँ। अच्छा अच्छा, अनवर के यहाँ के नौकर हो तुम? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वही हूँ। वही हो तो बाहर क्यों खड़ा है? मेरी बात अंदर तो सुनो। काम करो। अरे मेरी बात, अरे मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। बकवास बंद करो और चलो झाड़ू लगाओ, बर्तन धो और पूरे घर में सफाई करो। मैं नहीं करता कुछ कुछ भी। क्या कहा? करता है? लाओ लाठी। ले आओ लाठी वाटी, मैं नहीं रहता हूँ लाठी वाटी से। अच्छा नाजिया जी, बाजी लाओ लाठी। ठीक है अभी लाती हूँ। लो बाजी। हाँ बाजी, मारो और मारो। खड़े हो जाओ जल्दी से। और सुन, बर्तन भी धो लेना। अबे मियां, रहमान जी का घर यही है क्या? यही को दुकान बतलाई थी। ये तो वही है जिसे अब बता के गए थे। अरे आइए आइए, बैठिए ना, बैठिए। तुम्हारे अब्बू कहाँ गए? अब्बू कहीं काम से गए, लेकिन वो आपके बारे में सब बताए गए। आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। वाह, बहुत अच्छा खाना, किसने बनाया? दोनों ने बनाया। दोनों बनाया? अच्छा, दोनों बनाती हो तुम? हाँ जी। अबे तू यहाँ क्या कर रहा? गले मिल ले। अबे पर दबाओ ऐसे, क्यों गोबर में हाथ डाल के मिट्टी में? एक पर दूर है, तू खाना खाने दे। मगर तू यहाँ पर क्या रहा? नसीब में जिसके जो लिखा था, इसकी महफिल में काम आया,
किसी के हिस्से में आई रोटी, किसी के हिस्से में काम आया नसीब में। अब उठा तो दे कमबख्त, मैं दफा हो खाना खाने दे। कमर की भी गई। मगर तू कर क्या आया ना? ये क्या बताऊं, मैं आया काम का पूछने के लिए। दोनों लोडियों ने बहुत आया मुझे। इतनी खतरनाक है? मगर भाई ये काम तो मेरे को करने था, पर किस्मत है अपनी अपनी। यह सुनी कौन रहा है शेख? अब तू ही समझा दे, मेरी तो कोई नहीं सुनता। मैं बेवकूफ हूँ जो समझा दूं? अपना काम कर, अन्यथा ब्याह ही दोनों। बेवकूफ तो नहीं है? चल अपना काम कर, उठ जल्दी से। अरे ये तो वाकई बेवकूफ है, सने में हाथ लेके मेहमानों के पास बैठ गया। अच्छा जी मैं चलता हूँ, मगर वो सामान लेते जाइए जो अब्बू ने कहा था। हाँ, 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 को दे देना। दे दो, दे दो, दे दो।